देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का संखड़ार। और 15 अगस्त और 26 जनवरी में यही डिफरेंस रहता है कि यहाँ 15 अगस्त में झंडा नीचे रहता है, उसको ऊपर तक ले जाके फिर फहराया जाता है। फन फैक्ट्स, तेरी आँख ये जुनम है। अंदर दिखा स्कूल वूल वगैरह, मेरी बड़ी माँ के स्कूल आए हैं आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए। बच्चे अलाउड नहीं है यहाँ पे। सरस्वती माता की जय हो। बड़ी मम्मी के स्कूल के सरस्वती जी की मूर्ति गिफ्ट की थी हमारे बड़े पिता श्री ने। बस जीतू भैया आए, छोटे जीतू भैया यहाँ पे, बस सही में जीतू भैया जैसे लगते हो यार तुम। और ये भाई क्लासरूम, पूरा बचपन के दिन याद आ गए यार। इसी बेंच पे मैं, प्रेम और अभिलाष बैठा करते थे। ये वाली मिडल रो पूरी लड़कियों की रहती थी, उसके बाद यहाँ पे ये लड़कों की रहती थी और रोटेशन होता रहता था पूरा। और यहाँ हार्ट देखो यार, ये बचपन के पूरे दिन याद आ गए। हार्ट बना हुआ है मैंने, मेरा साइंस फेयर में बनाया था थर्माकोल में। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये काम क्या करता है और मुझे घंटा नहीं पता था। भाई देखो, ये मेरी मूछ की इंस्पिरेशन जिनसे है भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी। इन दो लोगों से मेरी मूछ की इंस्पिरेशन है, तभी इतनी सेक्सी मूछ दिखती है तुम्हारे भाई की। यार गवर्नमेंट स्कूल का वाइब एक ही सेम ही रहता है, और हम केवी वाले समझ सकते हैं ये वाली चीज़ें क्योंकि हमारा पूरा स्कूल ऐसा रहता था। उसके अलग मज़े थे भाई। केवी ज्वाइन करना वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन। और देखो भैया, स्मार्ट क्लास है इधर पे, स्मार्ट क्लास नंबर 3। यहाँ पे प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं बड़ी मम्मी के स्कूल के सर। जी तो भैया, और लड्डू तो नहीं चाहिए? पूरा नाम बताना। पापा का नाम? पूरा नाम बता सबका। पूछो यार जीतू भैया। पूछे जीतू भैया, तुम चमन बहार में बहुत अच्छी एक्टिंग की हो यार तुमने। बहुत अच्छा लगा था हमको एक्टिंग देख के आपकी। ये चमन बहार जूनियर, ये जीतू भैया डॉक्टर साहब जूनियर, वो तो बड़ा प्यारा बनाया जिसने बनाया। गणेश जी बहुत क्यूट से बनाए हैं यार। हमारी ड्राइंग गई है कभी ऐसे बोर्ड पे? नहीं गई है यार, हम अपनी दीदी से बनवा देते थे। इसी वजह से तो वो तो चालू करो यार, झंडा मंथन भी खत्म हो गया, अब घर जाते हैं। घर जाके आप लोग से बात की जाए। उतरो ना भैया। हाँ उतरो ब्लॉगर। कर रहा ना भैया यार, ये ब्लॉगर ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है ब्लॉगर को, इतनी प्यारी रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलती। सबसे मैं आप लोग को थोड़ी देर में मिलता हूँ, ये सब सैनिटाइज कर लें भाई, सी यू। और आज के दिन हमारी माँ का बर्थडे भी रहता है, तो एक ये छोटा सा गीत उनके बर्थडे के लिए मौसम की आवाज़ में। क्या बात। तो भाई यार, इंडिपेंडेंस डे का वो फ्लैग होस्टिंग करके भी आ गए बड़ी मम्मी के स्कूल से, और काफ़ी अच्छा लगा यार फिर से स्कूल देखा, काफ़ी पुरानी पुरानी यादें वापस आई। और यार सुबह 6 बजे से उठे हैं और अभी हम फिर से बालाघाट वापस भी जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। पूरा ट्रैवल ब्लॉग बनेगा तो आप वो देखना। हम लोग गए थे बरघाट डीजल डलवाने। अभी हम आधे रास्ते तक पहुँचे जब बालाघाट के, और बालाघाट पहुँचते पहुँचते ही माँ का कॉल आया हम लोग को कि तुम मुड़ जाओ। मुड़ो नहीं आते, निकलो जिधर। ज्यादा बोल नहीं सकते माँ के सामने, हम सीधा मुड़ गए। समझा नहीं सकते तो हम सीधा मुड़ गए। 5 किलोमीटर बचे थे बालाघाट के और हम मुड़ गए। और देखा ना तो हमने कहा मुड़ जाओ। जो यही छोड़ने जाएगा जी? नहीं भैया, क्योंकि हम शाहरुख के साथ नहीं जा सकते भाई, शाहरुख भगाता है गाड़ी। शाहरुख खान को हमने, शाहरुख ले जाएगा हमारे, शाहरुख खान को जो है हम गाड़ी चलवा लेते हैं। तूफान नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ गाड़ी चला। ये अंदर की बात है, बताना मत किसी को। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शाहरुख खान तक पहुँचे।
देख सका थे उसकी गाड़ी आ रही है। अरे जा देखो भैया, जा देखो फोन में बात कर रहा है ये, फोन बात कर रहा है रास्ते बीच रास्ते में आ रहा, क्या बात कर रहा है भाई, आ बैठ जा, चल तो बैठ जा, आ जा मिलवा के रास्ते। किसका यूजर नेम है ये? PUBG का है, शाहरुख खान का, तूफान खान कार्ड को सर्च करें और चैलेंज करें टीडीएम 1v3 1v4। अरे तूफान खान कर रहा होगा लेकिन तूफान खाड हो गया होगा वो, तो अपने आप को खिलाड़ा समझते हैं PUBG में, तूफान खाड को रिक्वेस्ट भेजें और 1v4 करें, वो हरा धुआं पदवा देगा तुमसे, जितने हो सबके खिलाड़ों से हरा धुआं निकल जाएगा, पूरी पूरी स्क्वाड वाइप कर देगा। तेज भगत बोलता है, देखने रे तुमको गड्ढे कूद रही गाड़ी, देख रे यहां तो बातें उड़ जा अभी, यहां गड्ढे नहीं कूद रहे बंदे, हो क्या बंदे, हो क्या मेरे गांव में तुम आ मत, तुम फूल का झंडा टांग के आओ मेरे गांव पे। चलो भाई हम घर भी वापस आ गए अपने, अब भरघाट तक डल डलवाए हम और वापस आ गए, ठीक ठीक डीजल डलवा के हम वापस आ गए, मौसम को बोला ही था हमने कि कौन किया, तो फिर कौन किया फोन बताओ, जनता जान जान भाई, बहुत खुश लग रही है मौसम है, मुस्कान की चमकान कहीं और, हम उधर तक पेट्रोल डलवा के आ गए तो खुशी देखो बस, 30-40 किलोमीटर डीजल डलवाने कौन जाता है, मिल गया ना ये बताओ, फोन आया था कि फोन किया गया था, मौसी का फोन भी आया था, हम पिंकी दीदी का बोल दिया हम तो, और क्या पिंकी, हमने पिंकी दीदी को फंसा दिया सीधा, पिंकी दीदी ऐसी, पिंकी दीदी बात करते करते जैसे हमने बोला कि आपका नाम फंसा दिया, उन्होंने अभी की तरफ कॉल कर दिया। और स्वाति दीदी कैसे हो, दीदी हम बरघाट से पेट्रोल भरा के आए हैं बरघाट से हम, ये पागल हो गई, अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ, क्या करता है रे तेरी तो, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, कॉपीराइट आ जाएगा भैया, ये डालूंगा मैं तो, हाँ? क्यों, जो गाना है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कौन सा गाना है, गाने का म्यूजिक है ना पीछे, सब तो कैसे काट देना, पागल किस 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 बात करते हो यार, अरे यार, अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ मैं याद रहे तू, वतन वतन। कैसे बैठी है दीदी, मूवमेंट मूवमेंट इधर इधर डाल दो कम कैमरा उसका, हम जानते हैं।